चलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आपके यूनिट 3 के जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे, अब जो मैचिंग वाले और कॉन्सेप्ट ट्रू फॉल्स वगैरह बाकी है, तो वो उसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी आज हम क्या कर, और मॉडल टेस्ट पेपर की भी मैं आपको क्या कर दूंगी, PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, ये देखो माय हाउस आपका दिख रहा है, माय हाउस। ठीक है, माय हाउस में हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको करवाती हूँ। चलो, माय हाउस यानी कि मेरा घर। ठीक है, मेरा घर इन द पिक्चर। अब मैं आपको मेरा घर यानी कि घर तो सभी के होते ही है ना। ठीक है, तो घर पे उसके बारे में क्या किया, डिस्क्राइब यानी कि चर्चा की। ठीक है, चलो। इन द पिक्चर अलोंग साइड यू कैन सी माय हाउस। चित्र में आप मेरा घर देख सकते हैं। ठीक है, इन द पिक्चर, देखो इन द पिक्चर अलोंग साइड यू कैन सी माय हाउस। चित्र में आप मेरा घर देख सकते हैं। इट इज स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। यह खुली जगह वाला और क्या है, सुंदर है। स्पेशियस यानी कि खुली जगह, और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। ठीक है, आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड सिस्टर कंफर्टेबली है इन इट। ठीक है, कंफर्टेबली का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल मीन्स हम बोलते हैं ना, कंफर्टेबल बोलते हैं ना, तो ये क्या कंफर्ट, ये जो है ये क्या है हमारा, कंफर्टेबली। ठीक है, ओके, तो ये क्या आराम से, कंफर्टेबल यानी कि आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, आई लिव विथ माय पेरेंट्स एंड सिस्टर कंफर्टेबली इन इट, यानी कि मैं इसमें अपने माता पिता और बहन के साथ आराम से रहता हूँ। कंफर्टेबली यानी कि आराम से, सिस्टर यानी कि बहन, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, वीत यानी कि साथ। ठीक है, ठीक है, चलो। अब चलो, देयर इज अ ड्राइंग रूम यानी कि इसमें एक अतिथि कक्ष है, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, टू बेडरूम्स विथ बाथरूम रूम। देखो इसमें एक अतिथि कक्ष यानी कि ड्राइंग रूम यानी कि उसका गेस्ट रूम यानी कि मेहमान का, डाइनिंग रूम यानी कि खाना खाने का रूम, और क्या है, टू बेडरूम्स यानी कि आराम, बेडरूम होता है ना आराम करने का, विथ बाथरूम यानी कि किसके साथ, बाथरूम के शयन यानी कि किसके साथ, नहाने के कमरे के साथ नहाने। देखो बेडरूम यानी कि शयन कक्ष के साथ क्या है, बाथरूम है। ठीक है, रूम्स हैव, ये देखो ये आप इधर आई, हाँ, रूम्स हैव वेंटिलेटर्स टू गेट लाइट एंड एयर इन, यानी कि प्रकाश और हवा के लिए कमरों में रोशनदान है। यानी कि रूम्स यानी कि कमरा, गेट यानी कि प्राप्त, लाइट यानी कि प्रकाश, और एयर यानी कि हवा, और वेंटिलेटर यानी कि रोशनदान है। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं, दो पैराग्राफ मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है,